हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी की इच्छा सेक्स करना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की। रिप्रोडक्शन जीवन की वह जर्नी है जिससे एक नए और दमदार जीवन की शुरुआत होती है। पूरे जोश के साथ आप सभी सेक्स तो करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लिंग होता है वह खड़ा कैसे होता है? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको 3D एनिमेशन की सहायता से सेक्स की इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। इस प्रक्रिया को जानने से पहले हम आपको लिंग को काट कर उसकी आंतरिक संरचना को दिखाते हैं कि लिंग की किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। लिंग के मध्य में दो बड़ी नलिकाएँ होती हैं जिन्हें कारपोरा कैवर्नोसा कहा जाता है, जिसमें से प्रत्येक में एक बड़ी केंद्रीय धमनी होती है। लिंग के ऊपरी भाग में कई नसें होती हैं और उसके नीचे पृष्ठीय सिरा होता है। लिंग के निचले हिस्से पर कार्पस स्पोजियसम नाम की एक ट्यूब होती है जिसके भीतर मूत्राशय होता है, जहाँ से मूत्र और स्पर्म बाहर आते हैं। जब लिंग खड़ा नहीं हुआ रहता है उस समय कारपोरा कैवर्नोसा में कम से कम रक्त बहता है। लिंग की ऊपर की नसें खुली और भरी हुई होती हैं। इस समय लिंग आगे की ओर झुका हुआ मुलायम और लचीला होता है। अब हम देखें कि जो लिंग झुका हुआ मुलायम और लचीला होता है वह आखिर खड़ा और साइज में बड़ा कैसे हो जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति सेक्स के लिए उत्तेजित होता है। इस समय लिंग के कारपोरा कैवर्नोसा में रक्त का बहाव अधिक हो जाता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। कारपोरा कैवर्नोसा का आकार बढ़ जाने के कारण लिंग की ऊपरी नसें दब जाती हैं, जिससे रक्त के बहाव में बाधा उत्पन्न होता है। रक्त के बहाव में बाधा के कारण रक्त का दाब अधिक हो जाता है, जिससे लिंग की नसें टाइट हो जाती हैं और लिंग धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा टॉपिक जिसे आप 3D एनिमेशन की सहायता से समझना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।